2021 में मैंने फाइनली ये रियलाइज़ कर लिया था कि मेरी लाइफ एक्चुअल में मिजरेबल है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई स्किल नहीं थी कि जिसको देखकर दूसरे लोग मुझे पैसे दें। मेरी फिजिक अच्छी नहीं थी क्योंकि मैंने कभी भी डाइट एंड वर्कआउट के ऊपर इतना कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। तब मुझे एक लड़की के ऊपर क्रश था, सो मैंने उसको पूछा था कि क्या तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, एंड उसने मुझे रिजेक्ट भी किया था। सो मैं एक इमोशनल डिस्टेबल स्टेट में भी था हर एक टीनेजर की तरह, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर थी एंड वो थी कि मुझे किसी ना किसी तरह से एक स्किल चूज करनी होगी एंड इस स्किल के ऊपर ऑल आउट जाना होगा ताकि मैं कुछ पैसे अर्न कर पाऊँ। मुझे पहले से ही ये बहुत पसंद था कि मैं अपने मेहनत से पैसे कमाऊँ। मुझे हमेशा से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था। मैंने बुक्स को रीड करना स्टार्ट कर दिया था एंड मुझे एक थॉट पता चला, ये फाइनेंस के रिलेटेड था एंड ये कुछ इस तरह का था, डू वॉट यू लव, डू वॉट अदर पीपल नीड, डू वॉट यू कैन बी पेड फॉर। ये चीज सुनकर मुझे ऑफकोर्स ऐसा लगने लगा था कि लाइफ की मिस्ट्री मैंने सॉल्व कर दी है एंड अब मैं बहुत अमीर बन सकता हूँ, क्योंकि ये थॉट लॉजिकल भी लग रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि ओके, इस चीज को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड आप जेन्युइनली पैसे अर्न कर सकते हो अगर आप ऑल आउट जाओगे। तो अपने मंकी ब्रेन को शांत रखना, ये सारी चीज प्रोक्रेस्टिनेशन से कनेक्टेड है। मैं आपको फालतू की स्टोरीज नहीं सुना रहा जस्ट बिकॉज मुझे आपको एंटरटेन करना है। ओके, सो बिकॉज मैंने लाइफ की मिस्ट्री सॉल्व कर दी है, मुझे पता है कि एग्जैक्टली मुझे क्या चीज़ें करनी चाहिए। सो मैंने बैठकर शांति से सोचा कि ओके, मुझे कौन सी चीज़ पसंद है। तो फिर आंसर बहुत ऑब्वियस था। मैं पूरे दिन प्यूडीपाई एंड कैरी मिनाटी के गेमिंग के वीडियोस देखता था। उनके गेमिंग के वीडियोस देखने में मुझे बहुत मज़ा आता था, ऑल दो मेरे पास पीसी नहीं था, सो मैं वो गेम्स खेल भी नहीं पाता था एंड मुझे ऐसी कोई होप भी नहीं दिख पा रही थी कि मैं फ्यूचर में कभी इन गेम्स को खेल पाऊंगा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा कभी भी मुझे इतना अच्छा पीसी लेके नहीं देते। लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे ये पता चल गया था कि मुझे गेमिंग के वीडियोस देखना पसंद है। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं गेमिंग के वीडियोस शूट करूंगा तो फिर मुझे उसमें भी मजा आएगा। अब मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या चीज करने में पसंद है। मुझे पता चल गया है कि लोगों को एंटरटेनमेंट के वीडियोस देखना पसंद है। सो मुझे जो चीज पसंद है वो भी मुझे मिल गई, लोगों को जो चीज पसंद है मुझे वो भी मिल गए। एंड बिकॉज मैं यूट्यूब वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ, सो दूसरे ब्रांड मेरे पास आकर मुझे स्पॉन्सर कर सकती है एंड यूट्यूब एड रेवेन्यू के थ्रू मैं अर्न कर सकता हूँ। सारी चीजें परफेक्टली प्लान्ड जा रही थी। यूट्यूबर मैंने वीडियोस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था, उसको अच्छी तरह से मैं एडिट करता था, थंबनेल भी अच्छी तरह से डिजाइन करता था, लेकिन फिर मैंने प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट कर दिया था। प्रोक्रेस्टिनेशन मैं मेनली बुक्स रीड करने में करने लगा था, क्योंकि मैंने ये चीज को रैशनलाइज कर दिया था कि अब बिकॉज मैं यूट्यूब पर वीडियोज क्रिएट कर रहा हूँ, मैं लोगों के लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, उन लोगों को एंटरटेन करके, एंड फ्यूचर में मुझे पैसे भी मिलने वाला है। सो अगर मैं इतनी अच्छी चीज कर रहा हूँ, सब मुझे बुक रीड करने की कुछ खास जरूरत नहीं है, एंड बिकॉज मैं पूरा दिन बिजी रहता हूँ, जो मैं नहीं रहता था, लाइक मैं एक दो घंटे निकाल सकता था अगर मुझे सच में निकालना होता था, लेकिन मैं नहीं निकालता था क्योंकि मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता था। बुक रीड करना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पहले से लगता था, क्योंकि उन ऑथर्स ने अपनी पूरी लाइफ में जो भी मिस्टेक्स की होती है वो बहुत अच्छी तरह से उस बुक के अंदर उन्होंने आर्टिकुलेट की होती है, एंड ये मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ कि अगर मुझे अपने गोल्स को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अचीव करना हो तो फिर मुझे दूसरों के एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखना होगा ताकि मैं वो सारी मिस्टेक्स रिपीट ना करूं। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन फिर भी मैं बुक्स को रीड करने में बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता था। मुझे याद है कि पर्टिकुलरली मैं उस समय पर एटॉमिक हैबिट्स बुक रीड कर रहा था। मेन क्वेश्चन ये है कि मुझे पता था कि बुक रीड करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा बुक रीडिंग को इतना प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करता था एंड हमेशा दूसरे दिन पर क्यों टालता था। ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेट सिर्फ इसलिए करता है ताकि वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। जिस भी चीज को हम प्रोक्रेस्टिनेट करते होते हैं वो चीज हमारे लिए बिग डील होती है, वो हमारे अंदर फियर, एंगर, एंग्जाइटी, इस तरह के नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर सकती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये किसी तरह का थ्रेट है हमारी बॉडी के लिए। सो अपने आप को बचाने के लिए हमारा ब्रेन प्रोक्रेस्टिनेट करता है उस चीज़ को, ताकि एटलीस्ट हम थोड़ी देर तक और जिंदा रह पाए। अब ऑफकोर्स हम लोग उस टास्क को परफॉर्म करके मरने नहीं वाले, लेकिन हमारा ब्रेन इस तरह से फंक्शन नहीं करता। अब जब भी मैं बुक रीड करने के लिए बैठता था तब ऐसा नहीं था कि मैं गुस्से में लाल हो जाता था एंड मुझे बहुत डर लगता था, ऐसा कुछ होता नहीं था। लेकिन बुक रीड करने में मेन प्रॉब्लम यह है कि हमें शांति से बैठना होता है एक जगह पर एंड हम किसी भी और एक्टिविटी के अंदर अपने आप को एंगेज नहीं कर सकते एंड हमें अपना पूरा फोकस बुक रीड करने में
लगाना पड़ता है। एंड अगर आपने कभी बुक रीड की होगी तो अगर आपको पता होगा कि बुक रीड करने में कुछ खास मजा नहीं आता। जब आप सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉल करते हो तब आपको सिर्फ अपना थंब को ऊपर नीचे हिलाना होता है एंड आपके सामने ऐसे क्रिएटर्स आएंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आएंगे जिन्होंने अपने पैसे खर्च किए हैं, जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ आवर्स पुट किए हैं इस एक वीडियो को बनाने के लिए, ताकि वो आपका अटेंशन गैदर कर पाए एंड आपको किसी तरह से या तो एंटरटेन कर पाए या तो फिर आपकी लाइफ में किसी तरह की वैल्यू ऐड कर पाए। आपको बहुत कम काम करना है एंड उसके रिटर्न में आपको प्रिसाइसली सिर्फ वही चीजें मिलेगी जो आपको चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम इस तरह से डिजाइन है कि आपको जैसे रील्स पसंद होती है वैसी रील्स वो आपको रिकमेंड करता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परफेक्टली आपके फेवर में है। आपको बस अपना थंब स्क्रॉल करना है एंड माइक्रो सेकंड्स में आपको बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, आपको इंस्टेंटली रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लेकिन जब आप बुक रीड करने के लिए बैठते हो तब आपको कॉन्शियसली अपने आप को फोर्स करना पड़ता है कि आप उस मैसेज के बारे में ना सोचो जो मैसेज आपने अपनी फीमेल फ्रेंड को भेजा है, एंड आपको ये नहीं सोचना है कि उस मैसेज के ऊपर वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। आप उस सीन के बारे में नहीं सोच सकते जब आपने एंड अपने बेस्ट फ्रेंड ने क्लास में वो जोक मारा था एंड पूरी क्लास हंस चुकी थी। आप अपने क्रश के साथ फेक सिनेरियोस क्रिएट नहीं कर सकते एंड आप BMW M8 में घूम रहे हो ये भी इमेजिन नहीं कर सकते। आपको ये सारी चीजें फोर्स करनी पड़ती है कि आप इन सारी चीजों के बारे में ना सोचो एंड आपके सामने जो बुक है उसको शांति से रीड करो एंड उसमें जो नॉलेज मिल रहा है उसको आपको एब्जॉर्ब करना है। एंड अगर आपका ब्रेन ब्लैंक था जब आपने वो दो तीन लाइन रीड की तो फिर आपको उस दो तीन लाइन को रिपीट करना होगा, उसको वापस रीड करना होगा एंड समझना होगा कि वो दो तीन लाइन क्या बोलना चाहती है। जब भी आप बुक रीड करते हो तब आप अपने प्रेजेंट को सेक्रीफाइस करते हो ताकि आपका फ्यूचर ज्यादा अच्छा बन पाए। जब भी आप इस तरह की चीज करते हो तब आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को सेक्रीफाइस करते हो एंड आप अपने प्लेजर को डिले करते हो। मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसा लगता है कि बिकॉज उन लोगों के पास मोटिवेशन नहीं है कुछ चीजें करने का, जिसकी वजह से वो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। सो नो मोटिवेशन इज इक्वल टू नो टास्क परफॉर्म्ड। लेकिन वो कुछ खास सही नहीं है। कुछ ऐसा दिन आता है जब आप नेचुरली जब आप सुबह उठते हो तब आप ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हो। आपने ऐसा सोचा हुआ होता है कि आज के दिन में आप ड्रॉप शिपिंग के ऊपर रिसर्च करोगे। सो आप अपने बेड के ऊपर से खड़े हुए, आप फ्रेश हुए, आपने ब्रश किया, आप नहाने गए, फिर नाश्ता हो गया, अब आप फोन लेकर बैठे एंड फाइनली आपने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपने सोचा कि बिकॉज अभी सिर्फ आप सो के उठे हो तो फिर आपको अपना इंस्टाग्राम चेक करना चाहिए। सो आप 20 मिनट तक इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करते हो एंड इस 20 मिनट के बाद आपको मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में सोचना चाहिए और उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि अब आप लिटरली एंग्जाइटी फील कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ मिजरेबल है, जो ऑफ कोर्स सच है। लेकिन एटलीस्ट आप पहले ट्राई करने वाले थे अपनी लाइफ को फिक्स करने, जो अब आप नहीं करने की सोच रहे हो। आपने कुछ चीज को नोटिस किया, ऐसा नहीं है कि आपको मोटिवेशन चाहिए होता है किसी एक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन आपको किसी तरह के एक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं ताकि आप मोटिवेटेड फील करो। इस एग्जांपल में वो वाइस वर्सा हुआ था। सो फॉर एग्जांपल अभी हमने ये चीज ली थी कि 20 मिनट इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने के बाद आपको मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा था एंड ऊपर से अब आपको डीमोटिवेटेड फील हो रहा है। ये इसलिए हुआ था क्योंकि आपने रील्स स्क्रॉल की, आपने ये एक्ट परफॉर्म किया जिसकी वजह से अब आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो। सेम ऐसी ही चीज तब होती है जब आपको मोटिवेटेड फील करना होता है। सो अगर आपको मोटिवेटेड फील करना है सो उसके पहले आपको किसी तरह का एक्शन परफॉर्म करना होगा ताकि आप मोटिवेटेड फील कर पाओ। ऐसा नहीं होता कि आपको मोटिवेटेड फील करना पड़ता है ताकि आप किसी तरह के एक्शंस परफॉर्म कर पाओ, ये बात सही नहीं है। सो अब आप कोई भी हार्ड एक्शन परफॉर्म करते हो तब आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड फील होने लगेगा एंड हार्ड एक्शन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बाहर जाकर पर्वत खोदने पड़ेंगे। आप नॉर्मल चीजें भी कर सकते हो, लाइक आपको सिर्फ कोल्ड शावर लेना है या तो फिर आपको अपना रूम क्लीन करना है। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये दोनों काम मुश्किल है एंड इन दोनों काम को करने में कुछ खास मजा नहीं आता। सो ये एक तरह का मुश्किल टास्क है जो अगर आप परफॉर्म करते हो तो फिर आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड फील होने लगेगा इस टास्क को परफॉर्म करने के बाद। अब आपको पता चल गया है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन इसलिए करते हो क्योंकि आपका ब्रेन को ऐसी हैबिट पड़ चुकी है कि आपको हमेशा ऐसे एक्शंस परफॉर्म करने हैं जिनके अंदर आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिले। एंड आप ऐसा नहीं सोच सकते कि बिकॉज आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो इसकी वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। जब भी आपको किसी चीज का कॉज मिल जाता है तो फिर उस चीज को प्रिवेंट करना बहुत आसान बन जाता है। मान लो कि आप अपने बेड के ऊपर सोए हुए हो
हो एंड पिछले दो घंटे से आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के यूट्यूब वीडियोज़ कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन फिर भी अभी आपको मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा है एंड अभी भी आप ऐसा फील नहीं कर रहे हो कि आपको उठ कर कुछ ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे आपका फ्यूचर अच्छा बन पाए। सो अभी आपको और यूट्यूब वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, अब आपको सिर्फ एक मुश्किल काम करना है ताकि आप वापस से मोटिवेटेड फील करने लगो। एंड जैसे आप मोटिवेटेड फील करने लगो वैसे आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बिल्ड करना स्टार्ट करना होगा। आपको अपनी लाइफ में ऐसे हैबिट्स बिल्ड करनी होगी जिसकी वजह से आपका एक रूटीन बन जाए एंड उस रूटीन में आप ऐसे एक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे जिस एक्शंस की वजह से आपका फ्यूचर अच्छा बन पाए। ओके, सो अभी आप अपने बेड के ऊपर पड़े हो, आपको खड़े होना है एंड एक मुश्किल चीज करनी है जो होगा अपना रूम क्लीन करना है। जैसे ही आप अपना रूम क्लीन कर दो तो फिर उसके बाद आपको एक पेन एंड बुक लेनी है, उसके ऊपर आपको लिखना स्टार्ट कर देना है कि आपको एग्जैक्टली अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें चाहिए, आप अपनी लाइफ को किस तरह से डिजाइन करना चाहते हो। एंड हाँ, उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती है कि आपको किस तरह की गाड़ी चाहिए, किस तरह की फैमिली चाहिए, कैसा घर चाहिए, सारी नॉर्मल चीजें आ जाती है। आपको पहले वो लिस्ट बनानी है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए अपनी लाइफ में एंड फिर ऐसी लिस्ट बनानी है जिसके अंदर लिखा हुआ होगा कि आपको क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। सो उस समय भी नॉर्मल चीजें आ सकती है, लाइक आपको कभी मेट्रो में ट्रैवल नहीं करना क्योंकि आप गरीब हो, आपको कभी भी बदसूरत नहीं दिखना, आपको फैट नहीं बनना कभी भी, आपको ऐसी फैमिली क्रिएट नहीं करनी जिसके अंदर सब लोगों के रिलेशनशिप्स बिगड़े हुए हो एंड कोई एक दूसरे से बात ना करता हो। ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी, ये दो अलग अलग लिस्ट को आपको बनाना होगा ताकि आपको पता चल पाएगी किस चीज को आपको एम करना है एंड किस चीज से भागना है। जैसे ही ये लिस्ट बन जाए उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से छोटे गोल्स है जो आप अभी करंटली परफॉर्म कर सकते हो एंड वो गोल कुछ भी नॉर्मल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जिम स्टार्ट करना है ताकि आपकी फिजिक थोड़ी सी अच्छी लग पाए। सो आपको यूट्यूब पर जाकर इन्फॉर्मेटिव फिटनेस कंटेंट को कंज्यूम करना होगा ताकि आपको पता चल पाए कि जिम में जाकर आपको कौन से स्प्लिट फॉलो करनी चाहिए, किस तरह का डाइट फॉलो करना चाहिए। ये सारी चीज आप करना स्टार्ट करोगे, जैसे ही आप इस चीज को स्टार्ट करोगे वैसे आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड फील करने लगोगे एंड आप और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। अब आपको पता चल गया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन से आप किस तरह से बच सकते हो। आपको अपनी लाइफ को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना होगा एंड आपको अपने एंड अपनी फैमिली के फ्यूचर को अच्छा बनाना होगा। एंड मुझे पता है कि आप इतने सेल्फिश नहीं हो कि आप बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करते रहो एंड अपने फ्यूचर को तबाह कर दो। अगर आपको अपने फेशियल फीचर्स को ज्यादा अच्छा बनाना है एंड अपने लुक्स के ऊपर भी ध्यान देना है ताकि आप फ्यूचर में ज्यादा अच्छे दिख पाओ, तो फिर उसके लिए मैंने एक स्पेशल द मॉगर्स ब्लूप्रिंट करके एक कोर्स डेवलप किया है जिसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि एग्जैक्टली आप किस तरह से अच्छे देख सकते हो। उसके अंदर मैंने डिस्क्रिमिनेट भी किया है कि एग्जैक्टली फेमिनिन एंड मैस्कुलिन फेशियल फीचर्स क्या होते हैं, किस तरह से एक इंसान बदसूरत देख सकता है, किस तरह से हमारे एंसेस्टर्स ज्यादा अच्छे दिखते थे, पूरी हिस्ट्री, पूरे प्रेजेंट एंड पूरे फ्यूचर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि आप एग्जैक्टली फ्यूचर में किस तरह से अच्छा देख सकते हो, आप प्रेजेंट में बदसूरत क्यों दिखते हो एंड आपके पास्ट में आपने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से आप अभी बदसूरत हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने फेस को ट्रांसफॉर्म करने में तो फिर उसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।